हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। साथियों, आज 12 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं साइंस टेक न्यूज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाचारों की। एस्ट्रोनर्स हैव टेकन द फर्स्ट ईवर इमेज ऑफ ए ब्लैक होल विच इज लोकेटेड इन ए डिस्टेंस गैलेक्सी नॉन एज मैसियर 87। द इमेज विच हैज बीन कैप्चर्ड बाई ए नेटवर्क ऑफ 8 टेलीस्कोप अक्रॉस द वर्ल्ड shows an intensely bright ring of fire surrounding a perfectly circular dark hole. The Event Horizon Telescope captured the image from the galaxy that is 50 million light years away. खगोलविदों ने एक ब्लैक होल की पहली छवि ली है जो एक दूर की आकाशगंगा में स्थित है, जिसे मैसियर 87 के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में 8 दूरबीनों के नेटवर्क द्वारा जिस छवि को कैप्चर किया गया वह पूरी तरह से गोलाकार काले छिद्र के आसपास एक तीव्र चमकदार आग का गोला दिखाती है। यह घटना होराइज़न टेलीस्कोप ने 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा से ली है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट समझौता की। इंडिया एंड स्वीडन लॉन्चेज ए जॉइंट प्रोग्राम दैट विल टुक वर्क टूवर्ड Addressing a range of challenges around smart cities and clean technologies, among others. The program was co-founded by Indian Department of Science and Technology, DST and Swedish agency Vinnova. भारत और स्वीडन के एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है जो स्मार्ट शहरों और अन्य लोगों के बीच स्वच्छता प्रौद्योगिकियों के बारे में कई चुनौतियों का सामना करने की दिशा में काम करेगा। कार्यक्रम को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और स्वीडिश एजेंसी विनोवा द्वारा सहवित पोषित किया गया है। नेक्स्ट, आइस्लो डिजिटल लिमिटेड साइंड द को ऑर्गेनाइजेशन लोन एग्रीमेंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड इंट्रोड्यूसिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द लास्ट माइल कस्टमर। द लॉन टिकट इज डिजाइंड एट 10,000 to 2 lakh rupees। पेस्लो डिजिटल लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ पहले सह उत्पत्ति ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देश में अपनी तरह का पहला समझौता जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने हस्ताक्षर किया है। देश के हर कोने के ग्राहक के लिए एक मंच पेश करते हुए ऋण टिकट 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। अल्जीरियाज पार्लियामेंट कन्फर्म एब्डेल कैंडर बेंसला एज द न्यू एंट्री प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग रेजिग्नेशन बाय द आइलेंग एब्डेलजीज बोटफिलिया का बोटफिलकाज रेजिग्नेशन फ्यूल्ड बाई protest that have lasted over a month means Algeria has a new president for the first time in 20 years. अल्जीरिया की संसद ने अब्देल अजीज बोल्ट फिलकास के इस्तीफे के बाद अब्देल कादेर बेंसला की देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। एक महीने से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शनों से बैप्लिका के इस्तीफे का अर्थ यह है कि अल्जीरिया में 20 वर्षों में पहली बार नया राष्ट्रपति बना है। नेक्स्ट,
जस्टिस विक्रम नाथ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई बिसाइड्स जज एस ए बोर्डे एंड एन वी रमन्ना रिकमेंडेड द नेम ऑफ द जस्टिस विक्रम नाथ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एस ए बोबड़े के अलावा एन वी रमन्ना ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नाम की सिफारिश की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। टीम इंडिया ओपनर स्मृति मंदावा हैज बीन नेम्ड एज द विजडन एलमन बैक अलमनाक लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को विजडन अलमनाक लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट इंडोनेशियन एनी न्यूरई नी वाज नेम्ड बाय एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन AAA एज द बेस्ट एथलेटिक्स कोच इन एशिया फॉर द शॉर्ट हॉल रन कैटेगरी इन 2019। इट वॉज अनाउंस्ड बाई इंडोनेशियन एथलेटिक स्पोर्ट एसोसिएशन PB पासी। इंडोनेशियाई एनी नुरेनी को एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन AAA द्वारा 2019 में शॉर्ट हेल रन श्रेणी के लिए एशिया में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच के रूप में नामित किया गया है। इसकी घोषणा इस इंडोनेशियाई एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन PB पासी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट की। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 1.2% बिटवीन 2010 एंड 2019 टू 1.36 बिलियन मोर देन डबल द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNPFA। इंडियाज पॉपुलेशन इन 2019 स्टूड एट 1.36 बिलियन ग्रोविंग फ्रॉम 942.2 बिलियन इन 1994। इन कंपेरिजन चाइनाज पॉपुलेशन स्टूड एट 1.42 बिलियन इन 2019 ग्रोविंग फ्रॉम 1.23 बिलियन इन 1994। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2010 और 2019 के बीच 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 बिलियन हो गई है, जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी है। 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन है, जो 1994 में 942.2 मिलियन थी। इसकी तुलना में 2019 में चीन की जनसंख्या 1.42 बिलियन है, जो 1994 में 1.23 बिलियन से थी। संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने विश्व जनसंख्या 2019 में यह रिपोर्ट बताई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक न्यूज अर्थव्यवस्था समाचारों की। द गवर्नमेंट हैज़ रिटर्न्ड द इंटरेस्ट रेट ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड GPF कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड अदर रिलेटेड स्कीम्स एट 8% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि GPF अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए ब्याज दर को 8% पर बरकरार रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टोरीज निधन की। केरलाज कांग्रेस चेयरमैन KM मानी द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर इन द स्टेट हिस्ट्री इज नो मोर ही वाज 86 ईयर ओल्ड। केरल राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विधायक केरल कांग्रेस के अध्यक्ष KM मणि का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल एंड आल्सो फॉलो मी एंड अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।